हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप पे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। फ्रेंड, एग्जांपल नंबर 7 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। बोला गया द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई स्पीयर है, जैसे कि मान लो ये मेरा स्पीयर हो गया। ठीक है, इसका सेंटर सेंटर से जाने वाला कौन होती है रेडियस। ठीक है फ्रेंड, अभी फ्रेंड स्पीयर होता कैसा वो मैं आपको बता दूँ। स्पेयर मान लो जैसे कि कोई बॉल होती है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ठीक है, इस तरीके को बोलते हैं क्या, स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेयर होता है और ये होता है सर्कल। ठीक है, स्पेयर को कहीं से भी आप देखोगे तो हमेशा राउंड ही नज़र आएगा, बट जो सर्कल होता है उसको एक डायमेंशन से देखने पे तो वो सर्कल नज़र आएगा, बट दूसरी डायमेंशन पे देखने पे वो सर्कल नज़र नहीं आएगा। तो ये फ़र्क होता है सर्कल में और स्पेयर में। ठीक है फ्रेंड, तो बात करते हैं स्पेयर की। इसमें बोला गया सरफेस एरिया, तो फ्रेंड जो रेड कलर का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये एरिया में निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4πr² ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास रेडियस तो गिवन ही है, मेरे को निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आता 4πr² 4π की वैल्यू 22/7, r दे रखा मेरे को 7, स्क्वेयर है इसलिए दो बार लिख दिया, 7 से 7 कट गया, 88 आया। अब 88 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 7 से कितना आ जाएगा, 616 cm². ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया मेरा एग्जांपल नंबर 7। तो अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 पर। तो फ्रेंड पहले एग्जांपल नंबर 8 को मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल 8, तो फ्रेंड बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की। बोला गया फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। फ्रेंड कोई इस तरीके का हेमिस्फीयर है, ठीक, जिसकी रेडियस मेरे को दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालना कवर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो पहले मैं आपको बता दूं कवर्ड सरफेस एरिया होता क्या है और टोटल क्या होता है। जैसे मान लो फ्रेंड एक ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब जो ये ऊपर का पोर्शन हमें जो नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन ब्लैक रंग का, इसे बोलेंगे कवर्ड सरफेस एरिया, जिसके निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr². पूरे स्पेयर का होता है 4πr². अब आधा स्पेयर है तो आधे का कितना होगा, 2πr², ठीक है। ये तो क्या कवर्ड सरफेस एरिया। फिर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है फ्रेंड ये जो कवर्ड होगा ये तो होगा ही होगा, कवर्ड वाला पोर्शन तो होगा ही होगा 2πr² प्लस में जो इसके नीचे का बेस बना हुआ है, यानी कि ये बेस, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जो स्पेयर डायग्राम टिका हुआ है ये क्या है, सर्कल है। सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है, πr², तो ये वाला सर्कल भी होगा प्लस में ब्लैक वाला पोर्शन भी होगा, रेड प्लस में ब्लैक, क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2πr², इसका फॉर्मूला होता है πr², तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 3πr², ठीक है फ्रेंड। तो निकालते हैं, ये मेरे को दे रखा है हेमिस्फीयर, यानी कि अर्धगोला, जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। पहले निकालते कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 2πr², 2π की वैल्यू 22/7, r कितना है 21, इसको लिख देंगे दो बार क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है दो बार, 7 × 3 = 21। अब 44 को 63 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, कवर्ड सरफेस एरिया आ गया। और टोटल निकालूँ तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक वाला पोर्शन तो होगा ही होगा 2πr², ठीक है, प्लस में ढक्कन भी होगा 2πr² प्लस में ये जो ढक्कन होगा इसका फॉर्मूला कितना होगा, πr² 1πr² 2πr² कितना हो जाएगा, 3πr² 3π की वैल्यू 22/7, r कितना दे रखा है 21, दो बार, 7 × 3 = 21, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 के साथ, तो ये आ जाएगा
4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया मेरा एग्जांपल नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट। तो अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 9 पे। ठीक है फ्रेंड, एग्जांपल नंबर 9 को पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। फ्रेंड एग्जांपल 9 यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, बोला गया द होलो स्पेयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट। कोई इस तरीके का होलो स्पेयर है जिसपे कोई सर्कस का व्यक्ति इस पर स्टंट दिखाना चाहता है। ठीक है, हैज डायमीटर, जिसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर व्यास दे रखा मेरे को 7 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर द राइडिंग, यानी कि इसको राइडिंग करने के लिए टोटल एरिया कितना मिलेगा। तो फ्रेंड मान लो वो इस तरीके की कोई बॉल है, ठीक है, इस तरीके की बॉल है, इस पर अपना कोई स्टंट दिखाता है, तो उसको एरिया कौन कौन सा मिलेगा। अब देखो इसके ऊपर तो जितना पूरा रेड कलर का एरिया हमें नज़र आ रहा है पूरा का पूरा, ये उसको क्या मिलेगा, स्टंट करने के लिए अवेलेबल होगा, और इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 4πr². ठीक है, तो हमें डायमीटर गिवन है, स्पेयर इन गोला, हमें डायमीटर गिवन है, रेडियस बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मेरी कौन आ गई, रेडियस आ गई। हमें बताना है एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग, क्या लिखूंगा मैं, एरिया अवेलेबल टू द मोटर साइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। तो इसके निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इस पूरे पे एरिया निकलने का फॉर्मूला होता है 4πr², 4π की वैल्यू 22/7, r दे रखा है 7/2, एक बार दो बार, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, इससे कट गया, 2 2 4 होता है, 4 से 4 कट गया, 22 7 154 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया उसको मिलेगा स्टंट करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड ये था मेरा एग्जांपल नंबर 9 जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको एग्जांपल 9 समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर फ्रेंड आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।